हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय। वेलकम टू BSES मोबाइल सर्विस। दोस्तों आज हम बात करेंगे iPhone 12 की एयर स्पीकर के बारे में। दोस्तों ज़्यादातर iPhone 12 का जो एयर स्पीकर होता है, स्पीकर कान वाला, वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा है। तो दोस्तों आए दिन मेरे पास कंप्लेंटें आती रहती है कि iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max के जो फ़ोन होते हैं, इनमें जो कि कान का जो स्पीकर होता है, कान का एयर वाला, वो बंद हो जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज आपको मैं ये बताऊंगा। तो दोस्तों कभी स्पीकर ख़राब होता है तो बहुत से लोग इसको रिपेयर कर देते हैं, या कस्टमर लोग बोलते हैं कि इसी को रिपेयर कर दो। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है, जो रिपेयर स्पीकर होता है ना, वो नहीं चलते हैं। दोस्तों चलते तो हैं, जो वो तो कुछ टाइम चलेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद वो रिपेयर स्पीकर फिर से ख़राब हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा अच्छा आपके लिए यही रहेगा कि जो नया स्पीकर होता है, नया स्पीकर ही आप इसमें रिप्लेस करवाना। तो क्या होता है, वो लंबा चलेगा नहीं, 6 महीने साल भर आपका निकाल देगा। लेकिन दोस्तों अगर आप उसी स्पीकर को दोबारा रिपेयर करवाते हो तो वो 1 महीना भी निक चलेगा, बार बार आपको दुखी करेगा। ठीक है दोस्तों, जितना मेरे को पता है, एक्सपीरियंस है, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे साथ काफ़ी केस ऐसे हुए हैं जो रिपेयर किए हुए स्पीकर जो है कि 1 महीने में भी चलते हैं, लेकिन जो चेंज कर देते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही चीज़ मैंने आपको बताई है, कभी iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max में अगर स्पीकर बंद होता है तो आप उसमें रिप्लेस ही करवाना, इसमें चेंज मत करवाना, रिप्लेस ही करवाना, रिपेयर मत करवाना। दोस्तों अगर रिपेयर करवाओगे तो काफ़ी लंबे समय तक नहीं चलता, वो 1-2 महीने फिर से ख़राब हो जाएगा, लेकिन चेंज करवाओगे तो आपका जो है कि काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, 6 महीने साल भर आपका निकाल देगा। लेकिन दोस्तों स्पीकर जो लगाओगे कान वाला, वो हमेशा हमेशा वो ओरिजिनल ही लगवाना, तो उसी में जो है कि काफ़ी अच्छा चलेगा, लेकिन उसको रिपेयर करवा के काम चलाना चल सकता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यही चीज़ मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कभी आपके स्पीकर में दिक्कत आए तो आप इसमें जो है कि रिपेयर ना करवा के इसमें जो है कि नया ही स्पीकर लगवाना, तो इसमें फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने इस फ़ोन के जो स्पीकर होता है, इसमें भी हमने नया स्पीकर ही रिप्लेस किया है, ताकि बाद में कोई कंप्लेंट ना आए और कस्टमर अपना इसको आराम से लंबे समय तक इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max सीरीज में ही ज़्यादातर ये दिक्कत मिली है कि कान के स्पीकर जो हैं वो ख़राब हो जा रहे हैं, बिल्कुल ही बंद हो जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कि आप इसको रिपेयर मत करवाना, सीधा आप इसको रिप्लेस करवाना, रिप्लेस ही करने में जो है कि आपका फ़ायदा है, जिससे कि आप लंबे समय तक इस फ़ोन के स्पीकर को यूज़ कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक गुड बाय एंड टेक केयर।